अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सारे के सारे। आज मैं आप सभी के बीच में ये इंडियन ट्रैफिक मोड लेकर आया हूँ, जो रियल में इंडियन सभी व्हीकल, इंडियन व्हीकल ही आ रहे हैं यहाँ पर। ट्रक वगैरह है, एम्बुलेंस है और बोलेरो वगैरह है, जो भी है जितने भी व्हीकल है वो सब इंडियंस आ रहे हैं। बस भी आ रही है, वोलो बस भी आ रही है, ठीक है ना। तो ये ट्रैफिक मोड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पर आपको नाम दिखाई दे रहा है जिन्होंने ट्रैफिक मोड बनाया उनके चैनल का, और उन्हीं के चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ट्रैफिक मोड का लिंक मिलेगा, ठीक है ना। मैं उनके वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे सिस्टम है कैसे डाउनलोड करना है और क्या करना है, कौन से मोबाइल में 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम और 4 GB रैम के अलग अलग ट्रैफिक मोड फाइल बनाई हुई है, ठीक है ना। पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से वीडियो देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए। तब तक आप इस मोड का, ट्रैफिक मोड का प्रीव्यू ज़रा देख लीजिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, 1 GB वाले को कैसे डाउनलोड करना है, 2 GB वाले को कौन सा लिंक डाउनलोड करना है और उसको कैसे ट्रैफिक मोड को ऐड करना है, ठीक है ना। सब कुछ पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बस गेम के बारे में, बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम के बारे में बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लगभग हर प्रॉब्लम का वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अपनी कोई भी प्रॉब्लम है आपको इस गेम के बारे में, तो लगभग हर प्रॉब्लम का वीडियो मिल जाएगा और वीडियो देखकर आप अपनी प्रॉब्लम को सही कर सकते हो, ठीक है। और मेरा एक वादा है दोस्तों कि मैं कोई भी वीडियो है ना फेक नहीं बनाता हूँ, मेरा हर वीडियो 100% सही है। मैं वीडियो को पहले पूरी तरीके से चेक करता हूँ फाइल को, कि होता है, काम करता है या नहीं करता है, उसके बाद में ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और अगर एक भी वीडियो फेक होता है तो मैं YouTube चलाना बंद कर दूँगा दोस्तों, आपसे वादा करता हूँ, ठीक है ना। आप अगर बताएंगे कि ये वीडियो फेक है तो मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊँगा, अगर वैसा करने से नहीं होता है तो मैं आज से चैनल चलाना बंद। दोस्तों कोई भी वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। और ये इस ट्रैफिक मोड में ये बस एडिट की हुई है, इसके आगे झुमके लगे हुए हैं और साइड में लाइटें वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है। साइड में 2 कांच एक्स्ट्रा लगे हुए हैं और नीचे झुमके लगे हुए हैं, ऊपर लाइट भी एक्स्ट्रा लगी हुई है। और इस इंडियन ट्रैफिक मोड के ग्राफिक्स को आप चेक कर लीजिए, बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स है। और अगर नाइट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लाइटें वगैरह लगी हुई आपको मिलेगी, ठीक है ना। पूरा रिव्यू मैं इस मोड का, ट्रैफिक मोड का बता रहा हूँ, पता नहीं भैया को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी और बहुत ही अच्छा ट्रैफिक मोड बनाया है, ठीक है ना। पूरा ट्रैफिक मोड रिव्यू देखिए, उसके बाद में 1 GB मोबाइल, 2 GB मोबाइल, 3 GB मोबाइल, जो भी मोबाइल की रैम है उस मोबाइल में कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, आपको सारा प्रोसेस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और ट्रैफिक मोड कैसे लगाते हैं वो सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। Oh,
दोस्तों ट्रैफिक मोड कैसे डाउनलोड करना है, कौन से मोबाइल में कैसे सेट करना है, सब कुछ यहाँ से प्रोसेस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का मैंने लिंक दिया है जिन्होंने इस ट्रैफिक मोड को बनाया है उनके वीडियो का, ठीक है ना। वहाँ पर जाने के बाद आपको इन वीडियो के उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर तीन लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक दो दोनों जो लिंक है ना, पहला और दूसरा, वो लिंक दोनों आपको 4G या 3G 5G मोबाइल में चल सकता है। और तीसरा जो लिंक है वो लिंक है 2GB रैम और 1GB रैम यूज़र मोबाइल यूज़र के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है फॉर 1GB 2GB डिवाइस यूज़र के लिए। ये तीसरा नंबर जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास 4G 5G या 3G मोबाइल है तो पहला और दूसरा कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला अच्छा रहेगा, फुल HD ग्राफिक्स मिलेगा पहले में, ठीक है ना, पहले वाले लिंक में। तो आपको जो डाउनलोड करना है, जो आपके पास डिवाइस है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपके सामने इस तरह का एक वेबसाइट ओपन होगी, शेयर मोड, ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा एक कैप्चा, ठीक है ना, जो राइट का चिन्ह करना है, क्लिक करके आपको टिक कर देना है राइट वाला, ठीक है ना। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो राइट का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद में आप नीचे लिखा हुआ है ना क्रिएट लिंक, क्रिएट डाउनलोड लिंक, वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐड आएगा, वहाँ से आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद दोबारा आप क्रिएट डाउनलोड लिंक पर क्लिक कीजिए, ठीक है ना। दोबारा जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, क्या लिखा हुआ है, योर डाउनलोड विल बीइंग इन ए 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में आपका फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको, यहाँ से बाहर भी नहीं जाना है, पेज को पेज से हटना नहीं है, ठीक है ना, जब तक डाउनलोड शुरू नहीं होता है। तो डाउनलोड शुरू होने के बाद आपको क्या करना है, देख लेना है आपके मोबाइल में फाइल डाउनलोड हो रही है या नहीं। अब देखिए फाइल डाउनलोड की जा रही है, नीचे नाम आ रहा है, विवरण पर क्लिक करके आप चेक कर लीजिए फाइल डाउनलोड हो रही है या नहीं, ठीक है ना। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है, ठीक है, बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको ZArchiver एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद में आपको एंड्रॉइड फोल्डर ओपन करना है, ठीक है। एंड्रॉइड फोल्डर ओपन करने के बाद उसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा OBB। OBB फोल्डर को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने एक बस वाला फोल्डर मिलेगा COMMALU का, ठीक है ना। उस पर क्लिक करके ओपन कर लीजिए। उसके अंदर एक फाइल जो है, इस फाइल को आप यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए कट पर, ठीक है ना। कट पर क्लिक करने के बाद आप बैक आ जाइए, मतलब इस फाइल को आप बस वाले फोल्डर से निकाल कर कहीं भी दूसरे फोल्डर में डाल दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अगर हो सकता है ट्रैफिक मोड डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल में काम ना करे तो आप ये फाइल वापस लगा सकते हैं, वो पहले वाली ट्रैफिक मोड वाली हटा के, ठीक है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको फाइल दिखाई दे रही है, केरला ट्रैफिक मोड V.5 प्राइवेट वेरिएंट, ठीक है ना। इस पर क्लिक करके एक्सपायर कर लीजिए। एक्सपायर करने के बाद आपके सामने एक फाइल बन जाएगी, ये जी फाइल है। जी फाइल एक्सपायर होने के बाद आपको, आप देख रहे हैं नीचे ये लाल कलर की जो फाइल है ना, ये फाइल अभी बन गई है, ठीक है ना। इसको क्लिक करके रखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा COPY, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आप एंड्रॉइड फोल्डर में चले जाइए। इस फाइल को वहाँ पर पेस्ट करना है जहाँ से हमने पहले फाइल निकाली थी, ठीक है ना। एंड्रॉइड फोल्डर, OBB फोल्डर और बस वाले फोल्डर के अंदर जो फाइल थी ना, उसी बस वाले फोल्डर के अंदर ये फाइल पेस्ट करनी है जहाँ से हमने पहले फाइल निकाली थी, ठीक है ना। पेस्ट करने के बाद गेम को ओपन कीजिए, चलाइए, इंजॉय कीजिए, ठीक है ना। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपको वही फाइल डाउनलोड करनी है जो आपके फ़ोन को फाइल सपोर्ट करे, 4G 3G और 2G 1GB जो भी रैम है आपके मोबाइल की, वही फाइल डाउनलोड कीजिए। और फाइल के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है 2GB रैम, 3GB रैम या 1GB रैम, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ बस गेम के बारे में इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।